Hello everyone, I welcome you all. Today we are going to start our part number 9 of our chapter number 7, our festivals. As we are continuing our chapter, today we are going to discuss Pongal, Onam and Baisakhi, which are three more festivals which comes under the category of harvest festivals. Okay, these are harvest festivals. Pongal is generally, I will explain you one by one that how these festivals are celebrated. Okay, so let's start. Pongal. देखिए इस वीडियो में हम जनरली तीन और जो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स होते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, पोंगल, ओनम एंड बैसाखी। नंबर वन हम पोंगल देख लेते हैं। पोंगल इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु जो स्टेट है वहाँ के हार्वेस्ट फेस्टिवल को, फसल काटने के वक्त जो हम त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं उसको क्या नेम दिया गया है, पोंगल। इट इज़ अ थ्री डे फेस्टिवल, तीन दिनों का फेस्टिवल कहा माना जाता है इसको। ऑन द फर्स्ट डे द रेन गॉड इज़ वर्शिप्ड, ऑन द सेकेंड डे द सन गॉड इज़ वर्शिप्ड एंड ऑन द थर्ड डे द कैटल इज़ वर्शिप्ड। तीन दिन में क्या क्या हो रहा है, पहले दिन हो रहा है रेन गॉड। हमारे यहाँ रेन गॉड हम किसको कहते हैं, इंद्रदेव को। सन गॉड जो सूर्य देव हैं, ठीक है, सूर्य भगवान हम जिनको बोलते हैं, उनकी पूजा की जाती है। और थर्ड डे कैटल की वर्शिप होती है। एक्चुअली कैटल इज़ नॉट ओनली काउ। हम जनरली क्या मानते हैं कैटल का मीनिंग, हम काउ बोलते हैं कि कैटल जनरली रिफर्स टू काउ, बट ऐसा नहीं है। कैटल जनरली काउ भी मानी जाती हैं, बफेलोज भी मानी जाती हैं, ठीक है। सो दीज आर कैटल्स। तो थर्ड डे किसको हो रहा है, कैटल को भी वर्शिप किया जा रहा है। स्पेशल पोंगल राइस इज प्रिपेयर्ड। इस दिन क्या होता है, स्पेशल पोंगल राइस प्रिपेयर की जाती है, ठीक है। इन कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश दिस फेस्टिवल इज कॉल्ड संक्रांति। इट मार्क्स द चेंज ऑफ सीजन फ्रॉम विंटर टू समर। देखिए यहाँ पर हुआ सीजन चेंज हो रहा है। देखिए जनरली क्या होता है, हमने देखा कि साउथ इंडिया, तमिलनाडु किस डायरेक्शन में लाई कर रहा है, साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में हमने जब फूड वी ईट चैप्टर पढ़ा था तब हमने देखा था कि साउथ इंडिया के लोग ज़्यादातर क्या खाते हैं, राइस। सो उस दिन क्या हो रहा है, स्पेशल राइस प्रिपेयर हो रही है। और कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, इन दो स्टेट में इस फेस्टिवल को क्या कहा जाता है, संक्रांति। देखिए यहाँ पर वो कौन सा सीजन चेंज हो रहा है, विंटर, चेंज ऑफ सीजन फ्रॉम विंटर से समर, विंटर टू समर, ठीक है। ठंड से कौन सा मौसम चेंज हो रहा है अब, गर्मी का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फेस्टिवल इज ओनम। ओनम डिस्कस कर लेते हैं, ओनम क्या होता है। ओनम मार्क्स द सेलिब्रेशन ऑफ हार्वेस्ट सीजन इन केरला। अब थर्ड स्टेट की बात हो रही है, जैसे बिहू में हमने देखा था असम, पोंगल में हमने देखा तमिलनाडु, सिमिलरली ओनम में किस स्टेट को इंडिकेट कर रहे हैं हम, केरला। स्पेशल डिशेज आर प्रिपेयर्ड एंड सर्व्ड ऑन बनाना लीव्स। देखिए व्यंजन बनाए जाते हैं, पकवान बनाए जाते हैं स्पेशल, ठीक है। और प्रिपेयर और उनको सर्व कहाँ किया जाता है, किस पर किया जाता है, बनाना लीव्स पर, जो केले के पत्ते होते हैं उन पर उसको सर्व किया जाता है। स्नेक बोट रेसेस आर वन ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ ओनम। देखिए स्पेशल डिश तो बना लिए, ठीक है, और केले के पत्तों में उनको सर्व भी होता है, लेकिन और क्या हो रहा है खास, स्नेक बोट रेसेस आर वन ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ ओनम। स्नेक बोट, स्नेक बोट एक्चुअली कुछ और नहीं है, जो बोट्स होती हैं, जो नाव हम जिनको बोलते हैं, उनका शेप होता है किसका, स्नेक शेप के, ठीक है। सो स्नेक बोट रेसेस ऑर्गेनाइज की जाती हैं। एलिफेंट्स आर डेकोरेटेड एंड कलरफुल, processions of elephants are taken out. Elephants को decorate करके और उसके बाद क्या निकाला जाता है, जुलूस निकाला जाता है। processions का meaning हमने देखा है पहले भी, जुलूस होता है। और क्या होता है, इन elephants को जुलूस में show किया जाता है, ठीक है, जुलूस निकाला जाता है। अब next festival है हमारा बैसाखी। बैसाखी इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 13th अप्रैल एवरी ईयर। किस डेट में सेलिब्रेट होता है हर साल ये, 13th अप्रैल। दिस फेस्टिवल इज़ मेनली सेलिब्रेटेड इन नॉर्थ इंडिया। ये जो फेस्टिवल है ये मेनली कहाँ सेलिब्रेट हो रहा है, नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया क्या कहलाएगा, ऐसा रीजन जो कहाँ पर हाईलाइट हो रहा है या कहाँ पर लाए कर रहा है, नॉर्थ साइड, नॉर्थ डायरेक्शन में, पर्टिकुलरली इन पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। और पर्टिकुलरली अगर हम स्टेट वाइज देखें, दो मेन स्टेट हैं, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश।
People in Bengal observe this year, observe this day as New Year. जो बंगाल के लोग हैं, बंगाल के लोग मतलब वेस्ट बंगाल स्टेट के जो लोग हैं, वो इस दिन को बैसाखी को कैसे सेलिब्रेट करते हैं एज अ न्यू ईयर. वो न्यू ईयर मानते हैं, जैसे बिजनेसमैन दिवाली को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए न्यू ईयर एज अ न्यू ईयर ट्रीट करते हैं. सिमिलरली जो पीपल ऑफ बंगाल भी इसको कैसे ट्रीट करते हैं न्यू ईयर की तरह, एज अ न्यू ईयर मानते हैं वो. ठीक है, ये हमारे थ्री और जो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स थे वो कंप्लीट हो गए. ठीक है सो एवरीवन, दिस इज ऑल फॉर द वीडियो. वी हैव कंप्लीटेड पोंगल, ओणम एंड बैसाखी, विच आर हार्वेस्ट फेस्टिवल. वी हैव सीन हाउ पोंगल इज सेलिब्रेटेड, हाउ ओणम इज सेलिब्रेटेड एंड हाउ बैसाखी इज सेलिब्रेटेड. ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड क्लियरली. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.